हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आप ही के चैनल सुचिता टेलर में स्वागत है। फ्रेंड्स, सूट कटिंग करना सिखाएंगे, बिल्कुल इजी मेथड से कटिंग करना सिखाएंगे। फ्रेंड्स, की करिए स्किप करिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले मेजरमेंट को समझ लीजिए, सूट की मेजरमेंट को। सूट की लंबाई है जो 38 इंच है, सीना है जो 39 इंच है, हिप जो पेट वाला फिटिंग होता है हिप, ये है 36 इंच, कमर है 40 इंच, बाजू की लंबाई है 5 इंच। इसी मेजरमेंट से फ्रेंड्स सूट की कटिंग करेंगे। देखिए, ये हमारे पास 2 मीटर कपड़ा है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 2 लेयर में कपड़े को बिछा लिए हैं। ये पीछे का पल्ले के लिए हम कटिंग करेंगे सबसे पहले, फिर आपको आगे का समझाएंगे। हमारी सूट की लंबाई है जो है 38 इंच की, तो एक निशान पहले 38 पे लगा देंगे इस तरह से। देखिए 38 पे लगा देंगे और 2 इंच और इसमें ऐड करेंगे तुरपाई के लिए। 1.5 इंच तुरपाई में जाएगी और 1/2 इंच यहाँ सिलाई में जाएगी, तो ये हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा है फ्रेंड्स। इस तरह से जब भी आप सूट की कटिंग करिए 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा जरूर रखिए, ताकि आपको तुरपाई में चली जाए और सिलाई में चली जाए। यहाँ 6 इंच का लेंगे शोल्डर, आर्म होल के लिए भी यहाँ 6 लेंगे इस तरह से। देखिए हर साइज का फ्रेंड्स आर्म होल अलग अलग रहता है, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपको समझा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से 6 इंच पे लगा दिए निशान। अभी बैक पल्ले की कटिंग करें, आगे की प्रोसेस आपको समझाएंगे। अगर आप समझ जाएंगे बढ़िया से तो कभी भी आपका सूट खराब नहीं होगा फ्रेंड्स। देखिए 39 इंच का है सीना, तो हमें 10.25 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है। इस तरह देखिए 10.25 पे निशान लगा दिए हैं। इसमें हम 2.5 इंच और ऐड करेंगे मार्जिन के लिए रख देंगे इस तरह से। आप 2 से 2.5 इंच मार्जिन रख लीजिए, ताकि आपको सूट कभी लूज ढीला टाइट करना हो तो आप कर सकते हैं। इस तरफ देखिए 39 पे लगा दिए हैं। यहाँ चक के निशान के लिए देखिए यहाँ हम 14 पे दे रहे हैं। ये चक का निशान भी फ्रेंड्स साइज के हिसाब से होती है, पतली या मोटी की चक भी लंबा थोड़ा रखा जाता है मोटा के, और जो पतली लेडीज होती है उसके थोड़ा कम होता है। तो फ्रेंड्स ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल के हिसाब से लगा रहे हैं हम। 14 से 14.5 पे यहाँ निशान लगा देंगे। आप कमेंट करेंगे, आपको अगर नहीं समझ में आता है तो हम आपको समझा देंगे, इसलिए कमेंट करें। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आता है वो कमेंट करें तो हम आपको समझा देंगे। कम होता है तो फ्रेंड्स ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल के हिसाब से लगा रहे हैं हम। 14 से 14.5 पे यहाँ निशान लगा देंगे। जो तो आप ले रहे हैं उसका आधा कर दीजिए इस तरह से। देखिए यहाँ हिप फिटिंग होती है पेट की, वहाँ बीचों बीच में इस तरह से देखिए लगा दीजिए। अब यहाँ देखिए इसकी जो है 36 इंच है, तो 9 चौके 36, यहाँ नोक पर निशान लगा देंगे इस तरह से। देखिए और ये जो कमर है वो 40 इंच की है इस तरह से। देखिए 4 फोल्ड में काट रहे हैं, तो 10 पे यहाँ निशान लगा देंगे इस तरह से। और ये निशान और ये निशान को देखिए इस तरह से सेम मिला देंगे इस तरह से। देखिए मिला देंगे, आप भी इस तरह से करिए इस तरह से। और इसमें देखिए यहाँ 2.5 इंच मार्जिन लिया है, यहाँ भी 2.5 इंच मार्जिन लेंगे इस तरह से, और यहाँ भी 2.5 इंच मार्जिन लेंगे, और ये तीनों को इस तरह से मिला देंगे फ्रेंड्स। इस तरह से देखिए मिला देंगे। और यहाँ जो आप दामन ले रहे हैं, अगर आपके पास दामन है, दामन का निशान है तो दामन का निशान ले लीजिए। अगर आपके पास दामन का निशान नहीं है तो जितना ये कमर का है उतना यहाँ ले लीजिए इस तरह से। देखिए हम जितना कमर का है उसी हिसाब से यहाँ ले रहे हैं, तो 10 पे ले रहे हैं क्योंकि 40 इंच का कमर है, तो 4 फोल्ड में 4 बार बनेगा क्योंकि 10 चौके 40, तो 10 पे यहाँ भी निशान लगा रहे हैं। और ये निशान को मिला देंगे फ्रेंड्स इस तरह से। देखिए इंची टेप लगाते हैं, इसको मिला देंगे इस तरह से, आप भी मिला दीजिए। और जो ये तुरपाई में जाएगी, जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है उसमें मार्जिन के लिए रखे हैं, यहाँ से यहाँ निशान लगा दीजिए इस तरह से। निशान लगा देंगे और देखिए आगे के लिए ये पीछे का बना रहे हैं इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स पीछे का बना रहे हैं, तो यहाँ 1 इंच पर इस तरह से गोलाई दे देंगे इस तरह से। देखिए गोलाई दे देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। इसकी जिस तरह से निशान लगाए हैं उसकी कटिंग करके हटा देंगे। फ्रेंड्स हमारे चैनल पर जो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल की घंटी जरूर दबा लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, सिलाई की जानकारी मिलती रहे। जिस आपको समझ में नहीं आता है वो कमेंट करके ज़रूर पूछें, और जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से पीछे का पल्ला कटिंग कर दिए हैं, अब आगे का पल्ले की कटिंग करेंगे और आपको पूरा प्रोसेस समझाएंगे किस तरह से कटिंग करना चाहिए।
कि पल्ले के लिए इस तरह से देखिए दो लेयर में कर लिए हैं कपड़ा को, आप भी इस तरह से कर लीजिए। और आपको अभी पूरा प्रोसेस समझाएंगे कि आगे कैसे कटिंग करना चाहिए। आप पीछे का कटिंग किए हैं उसको एक जेट इसी पे रख दीजिए, इस तरह से देखिए पहले रख के इसको पहले काट के हटा दीजिए, फिर आगे के प्रोसेस समझाएंगे कि आगे पल्ले में कैसे काटना चाहिए ताकि आपका सूट कभी ख़राब नहीं हो और झोल नहीं आए। कटिंग कर लीजिए, उसके बाद इसमें आपको गहराई देना समझाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए पीछे का पल्ला को रखते हुए सबसे पहले इसकी कटिंग कर दिए हैं। अब इसको बैक पल्ले वाली पल्ला को इस तरह से हटा देंगे, देखिए इस तरह से पहले हटा देंगे। अब इसमें आपको हम समझाएंगे कि किस तरह से जो आर्म होल होती है इसमें झोल नहीं आए इसके लिए क्या करना चाहिए। देंगे इस तरह से देखिए गहराई कर देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। फ्रेंड्स इस तरह से अगर आप कटिंग कर दीजिएगा ना, बहुत ही सिंपल ईजी तरीका है। यहाँ से आप लीजिए इस तरह से देखिए, यहाँ से एक इंची लीजिए और यहाँ जहाँ आपके फिटिंग के निशान वहाँ नहीं काटना है, यहाँ से और यहाँ तक आप इसकी कटिंग कर दीजिए। अगर आप इस तरह से कटिंग कर देंगे तो कभी भी आपका सूट का जो झोल आता है वो आर्म होल में नहीं आएगा। इसको पहले सबसे पहले आपको कटिंग कर देंगे, पर दूसरे के ऊपर इस तरह से बराबर से रख दीजिए, इस तरह से देखिए बराबर से रख देंगे बस देखिए। और यहाँ भी खुट्टा का निशान लगा दीजिए, यहाँ देखिए यहाँ निशान है तो यहाँ भी बीचों बीच आप खुटक का इस तरह से, और यहाँ कमर का भी है फिटिंग वहाँ भी लगा दीजिए ताकि जब आप सिलाई करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और यहाँ भी फ्रेंड्स इस तरह से देखिए जहाँ आप तुरपाई के लिए मोड़ेंगे वहाँ भी खुटक का निशान लगा दीजिए इस तरह से, ताकि आपको पता चल सके कि सिलने समय कि हमें यहाँ यहाँ फिटिंग का निशान देना है। करेंगे साइड और आपको बाजू कटिंग करना है, चार फोल्ड में कर दिए हैं। अब इसमें दोनों बाजू की कटिंग करना आपको सिखाएंगे। 10 × 40 इंच हमारा सीना है 39 इंच, तो फ्रेंड्स इसमें सीना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए बाजू तैयार हो जाएगा, क्योंकि जितना सीना की फिटिंग रहती है उसी हिसाब से बाजू की होती है। अगर आप देना चाहें तो 1 इंची दे दीजिए, अगर लूजिंग नहीं देंगे फिर भी बाजू ख़राब नहीं होता, क्योंकि जब ये गोलाई में जाती है तो इसमें ऑटोमेटिक बढ़ जाती है बाजू। इसलिए कभी भी बाजू कटिंग होती है तो सीना के मेजरमेंट से कटिंग होती है, आपका सीना जितना है उतना रख लीजिए। सबसे पहले इसको बराबर कर देंगे, तिरछा कपड़ा है इसको बराबर कर देंगे, बराबर से इसकी कटिंग कर देंगे। ये 5 इंची के देखिए 5 पे पहले निशान लगाएंगे और 2 इंच इसमें ऐड करेंगे तुरपाई के लिए, इस तरह से देखिए 5 × 2 = 7 हो गया। और यहाँ भी 7 इंच पर इस तरह से देखिए निशान लगा देंगे इस तरह से, और ये निशान मिला देंगे इस तरह से फ्रेंड्स मिला देंगे। अब आप देख लीजिए कि आपकी बाजू की फिटिंग कितनी है, तो यहाँ हमारा 6 इंच का फिटिंग है तो इस तरह से 6 पे निशान लगा देंगे, यहाँ लूजिंग के लिए 2 इंच दे देंगे जब बाजू ढीला टाइट हो इसके लिए। फ्रेंड्स अब इसमें देंगे हम 2.5 इंच का गहराई, इस तरह से देखिए 2.5 इंच का गहराई देंगे। फ्रेंड्स बाजू का भी हर लंबा बाजू और छोटा बाजू उसकी मेजरमेंट यहाँ होती है जो अलग अलग होती है, तो अलग अलग गहराई यहाँ होती है। आप कमेंट करेंगे तो हम आपको समझा देंगे, इसलिए जब भी आप जो चीज़ समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर करें, कमेंट करके ज़रूर पूछें। इस तरह से देखिए इसको गहराई दे देंगे इस तरह से, और यहाँ जो फिटिंग का निशान लगाए हैं इस तरह से देखिए इसमें मिला देंगे, इस तरह से मिला देंगे और यहाँ से भी ये मिला देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स बाजू की कटिंग कर दिए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ देखिए यहाँ खुट्टा का निशान दे देंगे ताकि ये पता चल सके सिलने समय कि ये बीच का पार्ट है। अब देखिए यहाँ भी खुट्टा का निशान दे देंगे इस तरह से, देखिए यहाँ बाजू की फिटिंग है, फिटिंग जो रखे हैं कि इतना हमारे फिटिंग है बाजू की, तो यहाँ भी दे देंगे ताकि सिलने समय पता चल सके। इस तरह से आप भी कर लीजिए तो सिलाई करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो आगे के लिए गहराई कैसे देना है इस तरह से देखिए 1/2 इंच का इस तरह से देखिए, यहाँ जहाँ फिटिंग का है वहाँ मत लीजिए, यहाँ से थोड़ी दूर पे ले जाते हुए 1/2 इंच पे इस तरह से गहराई दे दीजिए। ये आगे का पल्ला जब आप सिलाई करेंगे तो आगे के साइड आना चाहिए, सिलने समय ये चीज़ को ध्यान रखिए। इस तरह से गहराई दे देंगे इसमें बाजू में इस तरह से देखिए, ये आगे का साइड आएगा। दोनों पल्ले कितने बढ़िया से कटिंग हो गई है फ्रेंड्स। इस तरह से आप कटिंग करेंगे ना तो कभी भी आपका जो सूट है जो कभी भी ख़राब नहीं होगा और नहीं झोल आएगी और नहीं आपको कभी दिक्कत आएगी। तो फ्रेंड्स अगर कुछ भी डाउट रहता है, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। और अगर वीडियो आप किस चीज़ पे
सीखना चाहते हैं, किस प्रकार के आपके वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो में लाइक ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं।